मालिक बिन अनस ने अबू सुहेल से और उन्होंने अपने वाली से रिवायत की। उन्होंने हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु से सुना। वो कह रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अहले नजद में से एक आदमी आया। उसके बाल परागंदा थे। हम उसकी हल्की सी आवाज सुन रहे थे, लेकिन जो कुछ वो कह रहा था हम उसको समझ नहीं रहे थे। हत्ता कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आ गया। वो आपसे इस्लाम के बारे में पूछ रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिन और रात में 5 नमाजें फर्ज हैं। उसने पूछा, क्या इनके अलावा और नमाजें भी मेरे जिम्मे हैं? आपने फरमाया, नहीं, इल्ला ये कि तुम नफली नमाज पढ़ो और माह रमजान के रोजे हैं। उसने पूछा, क्या मेरे जिम्मे इसके अलावा भी रोजे हैं? फरमाया, नहीं, इल्ला ये कि तुम नफली रोजे रखो। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ज़कात के बारे में बताया तो उसने सवाल किया, क्या मेरे जिम्मे इसके सिवा भी कुछ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, नहीं, सिवाय इसके कि तुम अपनी मर्जी से नफली सदका दो। हजरत तलहा ने कहा, फिर वो आदमी वापस हुआ तो कह रहा था, अल्लाह की कसम, मैं इस पर कोई इजाफा करूंगा न इसमें कोई कमी करूंगा। उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये फलाह पा गया अगर इसने सच कर दिखाया। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 100।